हेलो फूडी, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन पार्टी स्टार्टर की रेसिपी। स्नैक्स में आप इसे खा सकते हैं और घर के बने इंग्रेडिएंट से कुछ भी एक्स्ट्रा आपको लाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आप एक बार बना के पार्टी में इसे सर्व करते या किसी को भी खिलाते तो आप वो आपकी तारीफ़ करते, थकेंगे नहीं। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे एक कटोरी पोहा लेंगे और उसमें एक कप पानी डालकर इसे फूलने के लिए अलग रख देंगे। अब हम लोग लेंगे एक बाउल और उसमें लेंगे बॉयल किया हुआ आलू और उसको मैंने मैश कर लिया रफली। देन उसके बाद सभी वेजिटेबल्स लेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है ग्रेट किया हुआ गाजर, ग्रेट किया हुआ चुकंदर, देन उसके बाद बारीक कट की हुई हरी धनिया, हरी मिर्च, बारीक कट के हुए प्याज और शिमला मिर्च है। आप इसमें से वेजिटेबल अपने टेस्ट अकॉर्डिंग भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो इसमें ग्रेट करके पत्ता को भी यूज़ कर सकते हैं और भी अपनी मनपसंद वेजिटेबल यूज़ करके आप बना सकते हैं। अब हम लोग इसमें डालेंगे पोहा जो फुला हुआ था, देन उसके बाद स्वाद अनुसार नमक, फिर इसमें डालेंगे हम लोग हाफ़ टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर यानी काली मिर्च पाउडर, देन उसके बाद हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और सभी को हम लोग मसालों को अच्छे तरीके से मिला लेंगे। और भी कोई मसाला इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे जो भी वेजिटेबल्स आप डालें, अगर वो ग्रेट हो सकता है तो ग्रेट करके डालें, अगर वो ग्रेट नहीं होता है तो उसको बारीक कट करके डालें, तो ही इसका जो फ्राई होगा ना तब अच्छा टेस्ट आएगा। तो अब हम लोग इसको अच्छे तरीके से आलू वगैरह सबको मिला लेंगे। देखिए इस तरीके से यहाँ पे सभी मिक्सचर को हमने मिला लिया है। अब हम लोग इसे शेप देंगे। तो यहाँ पे आप कोई भी शेप यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे छोटा सा स्क्वायर शेप दिया है। आप चाहे तो गोल, ओवल, कोई भी शेप आप इसमें दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक दे दिया है। अब हम लोग यहाँ पे मैदा लेंगे एक कटोरी और एक बाउल में ले लेंगे और सेम कटोरी से यहाँ पे एक से डेढ़ कप या कटोरी पानी लेकर इस तरीके से मीडियम थिक कंसिस्टेंसी का हम लोग बैटर रेडी कर लेंगे। यहाँ पे हमारा ये बैटर रेडी हो चुका है। अब हम लोग इसको साइड रखते हैं। यहाँ पे मैंने एक प्लेट लिया है और ये सेवइयाँ ली हैं मैंने। यहाँ पे आप कोई भी सेवई यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर लंबी वाली सेवई उसको क्रश करके इस तरीके से एकदम छोटी छोटी कर लीजिए। और यहाँ पे मैंने हाथ में अच्छे तरीके से ऑयल लगा लिया है और एक पोर्शन लेंगे हम लोग एक मिक्सचर का। देन उसके बाद सेम जैसे मैंने वहाँ पर दिखाया था आपको, स्क्वायर शेप में कर लेंगे इस तरीके से। और ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए और ज़्यादा पतला भी हम इसे नहीं रखेंगे। और इसके बाद हम लोग जो बैटर बनाया मैदा का उसमें डिप कर लेंगे इस तरीके से। यहाँ पे जो ये कटलेट है इसे हम लोग इस तरीके से डिप कर लेंगे। देन उसके बाद दूसरे हाथों से आप इसे इस सेवई में डाल दीजिए और इसे अच्छे तरीके से कोट कर लीजिए। ध्यान रखें एक हाथ से आप मैदा का घोल डालें और दूसरे हाथ से आप सेवई लगाएं। अब चाहे तो सभी जो मिक्सचर है उसको स्क्वायर शेप में करके रख सकते हैं, देन उसके बाद ये प्रोसेस कीजिए। तो इस तरीके से हम लोग सभी कटलेट बना लेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा सभी कटलेट रेडी हो चुका है। अब हम लोग इसे फ्राई कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी तेल गरम कर लिया है और तेल को पहले अच्छे तरीके से हाई फ्लेम पे गरम कर लेंगे। उसके बाद हम लोग अपनी सारी कटलेट काट डालेंगे। जैसे हम लोग डालने के बाद गैस को मीडियम टू लो फ्लेम कर लेंगे और इसे अच्छे तरीके से 5 से 7 मिनट तक हम लोग फ्राई करेंगे। ध्यान रखें आप हाई फ्लेम रखें जब डाल रहे हो कटलेट, तो हाई फ्लेम रखें ताकि वो शेप पकड़ ले। देन उसके बाद इसको आप मीडियम टू लो कर सकते हैं और लो टू मीडियम पे ही इसे फ्राई करें, लो करें, मीडियम करें, इस तरीके से आप इसे फ्राई करें, तभी अंदर तक अच्छे तरीके से फ्राई होगा। और हाँ, आप वहाँ पे जो हम लोगों ने बनाया था मिक्सचर वगैरह, आप इसे चाहे तो फ्रिज में 1-2 दिन तक सेवैया के साथ 1-2 दिन तक आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी मन हो आप इसे फ्राई करके खा सकते हैं। ये देखिए दोनों तरफ से अच्छे तरीके से हमारा ये लाल हो चुका है और बहुत अच्छे तरीके से अंदर से भी पक चुका है। अब हम लोग इसे निकाल लेंगे एक अलग प्लेट में और मैं आज इसकी प्लेटिंग भी करूँगी अलग तरीके से, आप वो भी देखें। तो यहाँ पे मैंने एक अलग प्लेट में निकाल लिया। अब हम लोग इसके लिए एक प्लेट लेंगे। आप कोई भी प्लेट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये जो रेक्टेंगल शेप का प्लेट है इसमें और भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैंने केचप लिया है और उसको इस तरीके से मैंने प्लेट पे फैला लिया है।
अब हम लोग धनिया की पत्ती लेंगे। यहाँ पे मैंने स्टेम के साथ यूज़ किया है और इसे इस तरीके से इस पे रख देंगे, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे कटलेट को रख देंगे, ये देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है, आप ज़रूर एक बार इसे ट्राई करें। तो हमारा ये कटलेट रेडी हो चुका है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यूनिक पार्टी स्टार्टर और सबको बहुत ही पसंद आएगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा।